वेलकम टू स्टूडेंट सक्सेस बाय जेएस रंजू। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सब जानते हो कि 2021 में बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स होने वाले हैं, बिकॉज दो साल से कोविड की वजह से बहुत सारे एग्जाम्स पेंडिंग चल रहे थे, तो बहुत सारे एग्जाम्स की डेट्स जो हैं वो रिलीज हो चुकी हैं। सो इसलिए मैंने ऑल गवर्नमेंट एग्जाम्स इन 2021 की एक सीरीज स्टार्ट की है, जिसका हम सेट नंबर 2 आज डिस्कस करेंगे। इसमें हम कंप्यूटर के मिक्स्ड क्वेश्चंस करेंगे, जो कि हर एक गवर्नमेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स में से लिए हैं। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। आप पूरा वीडियो बड़े ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन। द कोर इन ऑपरेटिंग सिस्टम इज कॉल्ड, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, कर्नल। तो चलिए हम समझ लेते हैं कि कर्नल क्या होता है। तो ये देखिए, ये है सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस। सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस और हार्डवेयर डिवाइसेस, ये सारे हैं हार्डवेयर डिवाइसेस। तो इनके इन बिटवीन जो आता है उसे हम क्या बोलते हैं, कर्नल। समटाइम्स हम कर्नल को एज ओएस भी बोल देते हैं। इन एक्चुअल कर्नल है क्या चीज, तो कर्नल इज सेंट्रल कंपोनेंट ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट मैनेजेस ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर एंड हार्डवेयर। तो कर्नल इज बेस और कोर कंपोनेंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। विदाउट कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम डजंट वर्क। तो कर्नल के बगैर ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क नहीं कर सकता। कर्नल क्या करता है, सिस्टम के रिसोर्सेज को मैनेज करता है एंड कम्युनिकेट विद हार्डवेयर डिवाइसेस। सो आप लास्ट में यह बोल सकते हो, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेमोरी प्रोसेस एंड फाइल मैनेजमेंट। मींस जितने भी काम ऑपरेटिंग सिस्टम में होते हैं उन सभी में कर्नल के बगैर कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है। ये जितनी भी लाइंस आपको नजर आ रही हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइंस हैं। इन पे कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं, तो आप इन लाइंस को भी अच्छे से रीड जरूर कर लीजिए। अच्छा, एक और क्वेश्चन है जो कि इसी से रिलेटेड है, जो कि काफी बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। तो वो है कि यूजर एंड कर्नल के बीच में कम्युनिकेशन कौन सा प्रोग्राम प्रोवाइड करता है, तो इसका आंसर है शेल। ये देखिए, यूजर्स कम्युनिकेट विद द कर्नल थ्रू अ प्रोग्राम नोन एज द शेल। तो इसी तरह से लिखा होता है कि यूजर्स कम्युनिकेट विद द कर्नल थ्रू अ प्रोग्राम नोन एज डैश, तो इसका करेक्ट आंसर होगा शेल। नेक्स्ट क्वेश्चन। द कंटेंट्स ऑफ डैश आर लॉस्ट When the computer turns off, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मेमोरी। जब लाइट चली जाती है तो मेमोरी के कॉन्टेंट्स, मेमोरी में जो भी डेटा होता है वो लॉस्ट हो जाता है, मीन्स खत्म हो जाता है। तो मेमोरी क्या होती है, प्राइमरी स्टोरेज। ये आपके सामने है एक ब्लॉक डायग्राम, जो कि मैं आपको एक वीडियो के थ्रू एक्सप्लेन कर चुका हूं। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा तो आप डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके इस डायग्राम को भी समझ सकते हो। इस डायग्राम से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे इनपुट डिवाइसेस से रिलेटेड, आउटपुट डिवाइसेस से रिलेटेड, स्टोरेज यूनिट से रिलेटेड, कंट्रोल यूनिट या अर्थमेटिक यूनिट से रिलेटेड। तो इस डायग्राम की हेल्प से मैंने ये सारे के सारे क्वेश्चंस एक्सप्लेन किए हुए हैं, आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिए। तो बात हो रही थी प्राइमरी स्टोरेज की, तो प्राइमरी स्टोरेज में क्या आता है, रैम एंड रोम। रोम तो नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है, लेकिन रैम जो है वो वॉलेटाइल मेमोरी होती है, जिसका डाटा जो है वो लाइट चले जाने से लॉस्ट हो जाता है। तो रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, ये बेसिक सा क्वेश्चन है जो आपको आना चाहिए। तो रैम इज
वॉलेटाइल मेमोरी। तो वॉलेटाइल का मीनिंग होता है कि जितनी देर तक कंप्यूटर ऑन रहेगा उतनी देर तक डेटा कंप्यूटर में अवेलेबल रहेगा, अदरवाइज जब कंप्यूटर टर्न ऑफ हो जाएगा तो क्या होगा, डेटा लॉस्ट हो जाएगा। तो यही क्वेश्चन में पूछा गया था कि वो कौन सी मेमोरी है जिसका डेटा कंप्यूटर टर्न ऑफ होने के बाद लॉस्ट हो जाता है। तो रैम को हम सिंपली समटाइम्स मेमोरी भी बोल देते हैं या फिर प्राइमरी मेमोरी भी बोल देते हैं। तो इसका डेटा कंप्यूटर ऑफ होने से लॉस्ट होता है, इसीलिए इसे टेम्पररी मेमोरी भी बोला जाता है। एक और क्वेश्चन है जो कि कई बार आ जाता है, वो है रैम इज फास्टर देन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस लाइक हार्ड डिस्क। तो रैम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस से फास्टर होती है। ये आपके सामने है एक रैम। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्म्स दैट यूज्ड टू ऑर्गेनाइज बिजनेस डेटा इनटू रोज एंड कॉलम्स आर कॉल्ड, वो फॉर्म्स जिनमें की डेटा को रोज एंड कॉलम्स में ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, स्प्रेडशीट्स। तो स्प्रेडशीट्स हम एमएस एक्सेल की हेल्प से बनाते हैं। तो ये मैंने एमएस एक्सेल को आपके सामने ओपन कर दिया है। तो ये देखिए, यहां पे ये जो नजर आ रहा है आपको, ये है एक कॉलम और ये है एक रो जो कि मैंने सिलेक्ट की है। तो एक्सेल में रोज एंड कॉलम्स होते हैं, तो इसे हम स्प्रेडशीट बोलते हैं। तो ये जो सिंगल यूनिट है इसे हम क्या बोलते हैं, सेल। ये भी क्वेश्चन में कई बार पूछा जाता है कि स्मॉलेस्ट यूनिट इन एक्सेल कौन सा है, तो सेल एक स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एक्सेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन पावर पॉइंट द हेडर एंड फुटर बटन कैन बी फाउंड ऑन द इंसर्ट टैब इन विच ग्रुप। तो पावर पॉइंट में वो कौन सा ग्रुप है जिसमें हेडर एंड फुटर आते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, टेक्स्ट ग्रुप। तो हेडर एंड फुटर तो आपको पता होगा कि ये टॉप ऑफ द पेज पे यहां पे जो आता है वो होता है हेडर, और ये मींस पेज के बॉटम में जो आता है उसे हम बोलते हैं फुटर। तो हेडर एंड फुटर इंसर्ट करने के लिए हम इंसर्ट टैब पे जाते हैं और यहां से ये देखिए हेडर एंड फुटर की ऑप्शन आ रही है। तो ये किस ग्रुप में आ रही है, तो यहां पे ये देखिए लिखा हुआ है टेक्स्ट। तो टेक्स्ट ग्रुप में हेडर एंड फुटर अवेलेबल होते हैं, कौन से टैब में, इंसर्ट टैब में। तो टेक्स्ट ग्रुप इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले मैं आप सबको एक चीज बोलना चाहूंगा कि स्टूडेंट्स, कभी भी आपने आज का काम कल पे नहीं डालना। जो इंसान आज का काम कल पे डालता है वह लाइफ में कभी ग्रो नहीं कर सकता। सो अगर आपने यह डिसाइड किया है कि मैं यह काम करने के बाद ही सोने जाऊंगा, तो आप उस काम को कंप्लीट करने के बाद ही सोने जाओ। इससे आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आएगा और आप स्टेप बाय स्टेप सक्सेस की ओर बढ़ते चले जाओगे। तभी तो कहते हैं मंजिल उन्हीं को मिलती है जो निरंतर चलते हैं, बिकॉज कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द चिप यूज्ड इन कंप्यूटर इज मेड अप ऑफ, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, सिलिकॉन। जो भी कंप्यूटर्स में चिप्स यूज होती हैं तो वो कौन से मटेरियल की बनती हैं, सिलिकॉन मटेरियल की। ये देखिए, ये है एक मदरबोर्ड। मदरबोर्ड के ऊपर जितनी भी चिप्स यूज होती हैं तो वो सारी की सारी चिप्स जो हैं वो किस मटेरियल की बनी होती हैं, सिलिकॉन मटेरियल की। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडीयू स्टैंड्स फॉर, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। विजुअल डिस्प्ले यूनिट क्या होता है, तो विजुअल डिस्प्ले यूनिट इज अ मशीन विद अ स्क्रीन विच इज यूज्ड टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ कंप्यूटर। जो भी काम हम कंप्यूटर पे कर रहे हैं उसे डिस्प्ले करने के लिए जो स्क्रीन यूज होती है उसे हम वीडीयू या विजुअल डिस्प्ले यूनिट बोलते हैं। तो जनरली ये टर्म कहां से आई है, मॉनिटर स्क्रीन से। तो कंप्यूटर की स्क्रीन जो है उसे हम विजुअल डिस्प्ले यूनिट बोलते हैं।
या हम डिजिटल प्लॉटर को भी विजुअल डिस्प्ले यूनिट बोल सकते हैं, बिकॉज कंप्यूटर पे जो भी हम काम कर रहे हैं वो प्रोजेक्टर की हेल्प से हमें डिस्प्ले होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द डिवाइस दैट कन्वर्ट्स द टेक्स्ट इंफॉर्मेशन इनटू स्पोकन सेंटेंसेस। वो कौन सा डिवाइस है जो टेक्स्ट को स्पोकन सेंटेंसेस में कन्वर्ट करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, स्पीच सिंथेसाइजर्स। तो स्पीच सिंथेसाइजर्स की हेल्प से टेक्स्ट को हम स्पोकन सेंटेंसेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन हु डिजाइन्स द प्रोग्राम्स इन अ सॉफ्टवेयर पैकेज इज कॉल्ड। वो पर्सन जो प्रोग्राम्स डिजाइन करता है, मींस प्रोग्राम्स बनाता है सॉफ्टवेयर पैकेज के लिए, तो उसे हम क्या बोलते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर। सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए जो प्रोग्राम्स बनाता है उस पर्सन को हम सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अनवांटेड पार्ट ऑफ एन इमेज इज कॉल्ड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, क्रॉपिंग। ये क्रॉपिंग का फीचर एमएस वर्ड, पावर पॉइंट एंड एक्सेल तीनों सॉफ्टवेयर्स में अवेलेबल होता है। ये देखिए, जैसे ये एमएस वर्ड में ये आपके सामने एक पिक है, तो मैं इसे सिलेक्ट करता हूं और यहां से फॉर्मेट टैब पे जाता हूं और यहां से क्रॉप ऑप्शन को चूज करता हूं। तो ये देखिए, मैं ये अनवांटेड पार्ट, ये वाला, इसे यहां से ड्रैग करके रिमूव करना चाहता हूं। तो यहां से और यहां से जितना भी पार्ट आप रिमूव करना चाहते हो आप उसे क्रॉप फीचर की हेल्प से कर सकते हो। तो ये देखिए, ये सारा का सारा अनवांटेड पार्ट जो आपको नहीं चाहिए वो रिमूव हो गया है। तो सिमिलरली आप ये काम एमएस पावर पॉइंट या एक्सेल में भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सटेंशन ऑफ नोटपैड। तो नोटपैड के लिए कौन सी एक्सटेंशन यूज होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, .txt। ये देखिए, ये आपके सामने एक नोटपैड है, आप यहां पे कुछ भी लिखते हो, जैसे आपने लिख दिया वेलकम, तो आप इस फाइल को सेव करते हो। तो ये जब आप इसे सेव करोगे तो यहां पे ये देखिए, ये आपके सामने यहां पे एक्सटेंशन नजर आ रही है। तो आप इस फाइल को कोई भी नेम दोगे और लास्ट में लिखा होगा .txt, तो एक्सटेंशन का ऐसे पता चलता है कि किसी भी फाइल की एक्सटेंशन क्या होती है जब आप सेव करते हो। तो ये जैसे मैंने वेलकम नाम से इसे सेव कर दिया, तो welcome.txt, तो ये फाइल का नाम हो गया वेलकम एंड .txt क्या हो गई? एक्सटेंशन। कई स्टूडेंट्स को पता नहीं होता कि एक्सटेंशन क्या होती है, तो मैंने इसीलिए इस चीज को एक्सप्लेन किया है। तो ये जो बच गई हैं एक्सटेंशंस, इनके बारे में भी आपको मैं बता देता हूं। तो ये जो .docx एक्सटेंशन है, ये एमएस वर्ड 2007 और अबव वाले वर्जन्स में यूज होती है। अगर आप एमएस एक्सेल 2007 की बात करो या इससे अबव वर्जन्स की बात करो, तो .xlsx एक्सटेंशन यूज होती है, और पावर पॉइंट में .pptx एक्सटेंशन यूज होती है। अच्छा, इन तीनों के बारे में मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि एमएस वर्ड 2007 से पहले जो वर्जन आते थे उनकी एक्सटेंशन क्या होती थी, तो उनकी एक्सटेंशन में ये लास्ट में जो एक्स दिया हुआ है वो नहीं होता था। मींस अगर आप एमएस वर्ड की बात करो तो .doc, एक्सेल की बात करो तो .xls, एंड अगर आप पावर पॉइंट की बात करो तो .ppt, ये एक्सटेंशन यूज होती थी। लेकिन जो लेटेस्ट वर्जन आ रहे हैं उनमें एक्स एसोसिएटेड है। अच्छा, यहां से एक और क्वेश्चन सामने आता है कि एमएस वर्ड, पावर पॉइंट एंड एक्सेल का लेटेस्ट वर्जन कौन सा है? तो मैं बहुत बार बता चुका हूं, एमएस ऑफिस का लेटेस्ट वर्जन 2019 चल रहा है।
अब वर्ड पैड की एक्सटेंशन क्या होती है? तो वर्ड पैड की एक्सटेंशन होती है .rtf और नोट पैड की .txt। ये तो मैं अभी आपको बता चुका हूं। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं यहां पे एक और चीज क्लियर कर दूं कि एमएस वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट की सीरीज मैंने इस चैनल पे अपलोड कर दी हुई है, जिनमें हर सीरीज में 150 से अबव क्वेश्चंस हैं। जैसे एमएस वर्ड के 150 प्लस क्वेश्चंस हैं, देन अगेन एक्सेल के 150 प्लस क्वेश्चंस हैं, एमएस पावर पॉइंट के 150 प्लस क्वेश्चंस हैं। तो आप उन सीरीज को भी देख लीजिए जिसमें एमएस वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे आपको पता चल जाएंगे। और मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि अगर आप वो सीरीज कंप्लीट पढ़ लेते हो तो आपको एमएस वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट में से कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आ सकता जो आपको एग्जाम में ना आता हो। अब आपके लिए लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट एग्जाम की सीरीज का सेट वन हम इस चैनल पे अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने उस सेट को नहीं देखा तो यहां पे एक आई बटन आएगा, आप उस पर क्लिक करके उस सेट को भी देख सकते हो। आप सेम सेट को डिस्क्रिप्शन से भी देख सकते हो। अब क्वेश्चन, कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स स्टोर्ड ऑन अ कंप्यूटर विच इज परमानेंटली कनेक्टेड विद इंटरनेट अराउंड द वर्ल्ड इज कॉल्ड। तो इसका करेक्ट आंसर है www। इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन मैं प्रीवियस सेट्स में बता चुका हूं, आप वहां से जाके वो सेट्स भी देख सकते हो। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन, यूज द डैश फीचर टू सेंड अ रिप्लाई टू रेसिपिएंट्स एंड ओरिजिनेटर ऑफ अ ईमेल। इट कैन इंक्लूड द ओरिजिनल ईमेल। तो इसका करेक्ट आंसर आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। ये वाला क्वेश्चन मैंने लेटेस्ट एग्जाम्स में से लिया है जो कि थोड़ी देर पहले ही कंडक्ट हुए हैं। अगर आपको इस चैनल से कोई बेनिफिट होता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना मत भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।